नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, करण जौहर को बॉलीवुड का जौहरी माना जाता है और उनकी पार की नजर जिस पर पड़ जाए उसका बॉलीवुड में करियर संवर जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक हमें करण जौहर की याद क्यों आने लगी, अम्मा बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल करण जौहर को पसंद आ गए हैं रणवीर सिंह। हाल ही में पिछले दिनों करण जौहर ने ये जिक्र किया कि उनको रणवीर सिंह बेहद पसंद है। अगर उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वह रणवीर सिंह से जरूर सलाह लेते हैं। उनकी पर्सनालिटी बेहद चमक धमक और भड़कीली है। अपनी पर्सनालिटी की इसी खासियत को वो लोगों के सामने रखते हैं। उनका स्टाइल ओरिजिनल है और वो मेरे हीरो हैं। अगर रणबीर कपूर और वरुण धवन करण जौहर की ये बात सुन रहे होंगे तो उनको जरूर जलन तो हो रही होगी, क्योंकि करण जौहर यूं ही किसी की तारीफ नहीं करते। और करण जौहर की तारीफ पाने का मतलब ये भी होता है कि आने वाले समय में आप उनकी कई और फिल्मों में काम करने जा रहे हैं। करण जौहर तो यही नहीं रुके, सुनने में तो ये भी आया है कि करण जौहर तो ये भी कहते फिर रहे हैं कि रणबीर की एनर्जी उनके स्टारडम को और ज्यादा बड़ा बना देती है। रणबीर कपूर और वरुण धवन जैसे सितारों के पास वो एनर्जी नहीं। रणवीर सिंह शानदार एक्टर हैं। अरे रुक जाइए करण जौहर साहब, हमें तो लगता है सिम्बा की सफलता से करण जौहर काफी खुश हो गए हैं। वैसे रणवीर सिंह का अंदाज है तो भाई निराला। आजकल वो जो भी फिल्में कर रहे हैं उसमें उनकी तारीफ जरूर होती है, और जब से वो सिंगल से डबल हुए हैं तब से किस्मत उन पर और भी ज्यादा मेहरबान हो गई है। अब उनकी गली बॉय भी रिलीज होने जा रही है और वो भी हिट ही होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो हम तो रणवीर सिंह को यही कहेंगे कि बॉलीवुड में अगर दोनों हाथों में लड्डू किसी के पास है तो वो रणवीर सिंह के पास है।